किसी महिला का बलात्कार करने के बाद उसे आरा मशीन से दो भागों में चीर देने के बारे में कभी आपने सुना है? और दो भाग भी ऐसे कि उसके गोपताम से आरी चलाते हुए दोनों वक्षस्थलों को दो भाग में करते हुए माथे को दो भाग में चीर देना, सुना है कभी आपने? क्या गुजरी होगी उस महिला पर या उसके परिवार वालों पर? रूह तक कांप जाएगी। आतंक के दर्द को जिसने झेला है वो शायद ही कभी भूल पाएगा। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और नरसंहार की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में इसको दिखाया गया है। कई साल बीते जाने के बाद भी लोग आज भी वो किस्सा याद करके डर जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ये महिला रियल लाइफ में कौन थी, क्या करती थी और इसका असली नाम क्या था? और आखिर इस महिला को ही निशाना क्यों बनाया गया? इस महिला का नाम गिरजा टिक्कू था, जो 25 वर्ष की एक खूबसूरत महिला थी। ये बांदीपुरा की एक कश्मीरी पंडित शादीशुदा महिला थी और कश्मीर घाटी के एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट के रूप में काम करती थी। 19 और 20 जनवरी 1990 को जब कश्मीर में मस्जिदों से ये घोषणा की गई कि कश्मीर के हिंदू काफिर हैं और वे कश्मीर छोड़ दें या इस्लाम कबूल कर लें या मारे जाएं, और जो कश्मीर छोड़ दें वे अपनी औरतों को यहीं छोड़कर चले जाएं। इस घटना से परेशान होकर गिरजा टिक्कू ने यासीन मलिक के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आज़ादी आंदोलन के बाद अपने पूरे परिवार के साथ कश्मीर क्षेत्र से भागकर जम्मू में रिफ्यूजी कैंप में पहुंच गई। जून 1990 में एक दिन किसी ने फोन करके उससे कहा कि घाटी में अलगाववादी आंदोलन शांत हो गए और उसे अपना बकाया वेतन ले जाने के लिए बोला गया। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद उनके गृह मंत्री थे। 11 जून 1990 का वो दिन था जब गिरजा टिक्कू अपनी सैलरी लेने के लिए स्कूल गई थी। उसी दिन वो अपने स्कूल के स्टाफ से मिलने उनके घर भी गई थी। गिरजा टिक्कू को इस बात का आभास तक नहीं था कि आतंकवादी को नज़र उन पर है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो रास्ते में ही आतंकवादियों द्वारा उनका अपहरण हो जाता है। गाँव वालों को ये बात पता चली लेकिन आतंकियों के डर से कोई आगे नहीं बढ़ सका। आगे गिरजा के साथ क्या क्या हुआ यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आतंकियों ने न केवल अपहरण किया बल्कि सामूहिक बलात्कार भी किया। दरिंदों का मन जब इससे भी नहीं भरा तो उसके शरीर को उसके गुप्तांगों के पास से आरी चलाकर दो भागों में काट दिया गया और सड़क के किनारे फेंक दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना अखबारों के मेन पेज पर अपनी जगह नहीं बना सकी। देश के लोगों को इसकी खबर भी नहीं हुई। कोई कैंडल मार्च नहीं निकला, कोई सभा नहीं हुई। क्यों? कश्मीर की आज़ादी के नाम पर एक स्त्री से ऐसा व्यवहार क्या भुला देने लायक था? जब उसके शरीर को शर्मसार करने के बाद आरी से दो भागों में काटा जा रहा होगा और भीड़ मजहबी नारे लगा रही होगी और चिल्ला रही होगी, कश्मीर मांगे आज़ादी। गिरजा टिक्कू अपने पीछे अपनी बूढ़ी माँ, पति और दो बच्चों को छोड़कर गई थी। सन 1990 के दशक में लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर कश्मीर घाटी से बाहर जाना पड़ा था। सैकड़ों पंडितों का कत्लेआम हुआ था। मस्जिदों से घोषणा की गई कि कश्मीर पंडित काफिर हैं और उन्हें कश्मीर छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ा तो कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करना होगा वरना उन्हें मार दिया जाएगा। 11 मार्च 2022 को विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को दर्शाती है। गिरजा टिक्कू का परिवार अमेरिका में है। कई वर्षों से इस बारे में किसी ने बात तक नहीं की थी लेकिन यह फिल्म देखकर गिरजा टिक्कू का पूरा परिवार खूब रोया। इस फिल्म को देखने के बाद गिरजा देवी की भतीजी ने एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि उनके परिवार को अभी भी न्याय का इंतजार है। अमेरिका में कश्मीरी मूल की लेखिका सुनंदा वशिष्ठ का एक वीडियो फिल्म आने के बाद काफी वायरल हुआ जिसमें उस दौर की भयानक हिंसा को याद करते हुए कहा कि Today of America is a Jewish, I am a Jewish. Honorable members of the Tom Lantos Commission, I speak before you the last words of Daniel Pearl in my own words. My father is a Kashmiri Hindu, my mother is a Kashmiri Hindu, I am a Kashmiri Hindu, and our home and lives in Kashmir were destroyed by radical Islamic terrorism. वह प्रदेश से धारा 370 को खत्म किए जाने का समर्थन करती है। मेरे माता पिता कश्मीरी पंडित हैं, मैं हिंदू कश्मीर पंडित हूँ। हमारे घर जलाए गए, बागों में आग लगाई गई, धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया। हम कश्मीर के उस पीड़ित समुदाय से आते हैं जिन्हें इस्लामिक कट्टरपंथ के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आतंकियों ने गिरजा टिक्कू जैसी महिलाओं का गैंगरेप किया और उनके सब के टुकड़े टुकड़े करके फेंके गए। खून से लथपथ हिंसा से आक्रांत हम मजबूर और डरे हुए लोग थे जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों ये थी गिरजा टिक्कू की असली घटना। अगर आपको नई जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, नमस्कार।